हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बुक माई शो से आप क्रिकेट मैच के टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो अब और ज़्यादा देर न करते हुए चलिए मैं बुक माई शो के ऐप पे ले चलता हूँ। आप चाहें तो क्रोम में लॉग इन करके भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बुक माई शो ऐप खोल लेता हूँ और इसके बाद आपको जिस भी क्रिकेट मैच का टिकट यहाँ से बुक करना है, आप यहाँ पर सर्च में क्लिक करके देख सकते हैं कि उसका टिकट अभी अवेलेबल है कि नहीं, और आप डायरेक्ट शहर का नाम डालकर भी टिकट को बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैं लखनऊ में रहता हूं, तो आप देख रहे हैं यहां पर शहर के नाम में लखनऊ है। आप यहां पर क्लिक करके उस शहर का नाम आपको डालना है। मैं यहां पर लखनऊ ही डाल दे रहा हूं। और इसके बाद आपको स्पोर्ट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो जिन भी मैच की टिकट अवेलेबल होंगी वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संडे 18 सितंबर को एक मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में है। दोस्तों, आपको सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे क्रिकेट मैच का टिकट बुक किया जाता है। आप बिल्कुल इसी तरह से किसी भी क्रिकेट मैच का टिकट बुक कर सकते हैं अगर उसके टिकट अवेलेबल होंगे तो। मैं 18 सितंबर को जो ये मैच है, मणिपाल टाइगर्स वर्सेस भिलवाड़ा किंग्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर से बुक लिखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कितने टिकट्स बुक करना चाहते हैं। आप कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 टिकट एक आईडी पर बुक कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं दो टिकट जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है मैं इसी पर रहने देता हूँ। इसके बाद नीचे जो लिखा है सेलेक्ट सीट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस शो हो रहे हैं कि टिकट किस किस रेट पर हैं। जैसे कि 350 रुपये का भी टिकट है, 1299 का भी है और 4000 रुपये का भी है। आपको जो भी टिकट लेना है आपको सिंपली उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं 1299 वाले पे क्लिक करूंगा। अब देखिए 1299 रुपए वाला टिकट स्टेडियम में किस जगह पर है, वहां पर एक कलर शो हो रहा है। मैं आपको जूम कर दिखा देता हूं। सिंपली इसी कलर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए मैंने दो टिकट बुक किए थे इसलिए मेरा प्राइस दो टिकट के हिसाब से यहां पर कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद बुक पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहां पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है होम डिलीवरी का, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अगर आपके पिन कोड पर अवेलेबिलिटी होगी कि टिकट आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाए तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर मेरे एड्रेस पर टिकट जो है डिलीवर्ड हो सकता है। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस भर देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, लैंडमार्क, सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है और प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। और बाय द वे, अगर ऐसा होता है कि आपके पिन कोड यानी कि आपके एड्रेस पर अवेलेबल नहीं है कि टिकट डिलीवर्ड हो जाए, तो फिर आपको यहां पर टिकट बुक करके बॉक्स ऑफिस से टिकट कलेक्ट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो मैं यहां पर एक ऐसा पिन कोड डालूंगा जिस पर टिकट की होम डिलीवरी अवेलेबल नहीं होगी। तो मैं ऐसे ही 24 डाल देता हूं और चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ पर इस पिन कोड पर टिकट डिलीवर्ड नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है, पिकअप फ्रॉम बॉक्स ऑफिस। तो दोस्तों, इस तरह का ऑप्शन जब शो होता है तो आपको बुक माई शो की तरफ से एक ईमेल या एसएमएस आएगा जिस पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको मैच का टिकट कहाँ से कलेक्ट करना है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो ये पिकअप बॉक्स ऑफिस होते हैं जहाँ से आपका टिकट आपको मिलेगा, ये ज्यादातर उसी स्टेडियम के पास में ही होते हैं जहाँ पर आपको मैच देखने जाना है। बस आपको अपने मैच का टिकट कलेक्ट करने के लिए मैच शुरू होने के थोड़ी देर पहले जाना होता है, क्योंकि जब बड़े मैच होते हैं तो भीड़ भी काफी होती है और जो ये पिकअप बॉक्स ऑफिस होते हैं इस पर भी भीड़ होती है। और अगर आपके मैच का टिकट होम डिलीवरी पर है तो आपका टिकट 4 से 5 दिन में आपके घर पर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आपका टिकट अगर होम डिलीवरी होता है तो आपको कैसे मिलेगा और अगर आपका टिकट पिकअप फ्रॉम बॉक्स ऑफिस है तो आपको कैसे मिलेगा। इनमें से जो भी ऑप्शन आपके एड्रेस पर अवेलेबल होता है आप उस हिसाब से टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मेरे दो टिकट का प्राइस 2598 रुपये शो हो रहा है। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे टिकट का प्राइस 2598 रुपये है। बुकिंग फीस जो पड़ रही है वो 309 रुपये पड़ रही है। इसके ऊपर क्लिक करने पे दिखा रहा है कि 262 रुपये बेस प्राइस है और GST 18% के हिसाब से 43 रुपये 16 पैसे है, जो टोटल 309 रुपये 16 पैसे होती है। और मेरे टोटल दोनों टिकट का प्राइस है 2907 रुपये 16 पैसे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जिस तरह से भी चाहें उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं।
आप चाहें तो UPI अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, आप किसी तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपका पेमेंट कंफर्म होते ही बुक माई शो की तरफ से आपको क्रिकेट मैच के टिकट का सारा डिटेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इसी प्रोसेस से किसी भी क्रिकेट मैच का टिकट बुक माई शो से बुक कर सकते हैं अगर उस मैच के टिकट बुक माई शो पर अवेलेबल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।